आपसे ये बात करना चाह रहे हैं कि हेलमेट, क्योंकि अब कल से नया रूल है कि सेकंड जो सवारी है वो भी हेलमेट पहनेगी, वो चाहे खातून हो, उसको कैसा देख रहे हैं आप? तो उसके लिए तो अच्छा नहीं है कि खातून भी हेलमेट पहने। फिलहाल पहले चलान हो गए, अब इतने पैसे ना हो किसी के पास तो क्या हेलमेट कहाँ से ले। चलें जी, जवाब दीजिए शहजाद साहब। बेटा ये तो आपकी अपनी जान के लिए है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। 1000 रुपये का पहले ही वो चलान कर दिया हुआ, अगला चलान फिर उन्होंने रोक लिया, अभी वो पहला चलान ने जमा कराया हुआ ना करवाते, और आपका काम था कि जो है हेलमेट पहना हुआ होता, अगर आपने हेलमेट पहना हुआ होता तो फिर आपका चलान भी ना होता। जितने का आपने चलान करवाया उससे कम पैसों में आपका हेलमेट आ जाना था। तो बात सच है, 1300-1400 रुपये का हेलमेट है मेरे ख्याल से, तो वो भी पहले हेलमेट चलान के पैसे जमा कराए फिर हेलमेट लें, तो इतने पैसे कमाएंगे तो कुछ करेंगे ना। लेकिन अब तो आपको 2 हेलमेट लेना पड़ेंगे, जो पीछे खातून बैठेंगी चाहे आपकी बहन हो, बीवी हो, माँ हो, तो उसको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा, तो क्या आप इनसे ही पूछेंगे? आप हेलमेट पहन लेंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं पहनेंगी? आप जब गिरेंगी आपको चोट नहीं लगती? मैं तो नहीं पहनूंगी। नहीं, अगर आप नहीं पहनेंगी तो आपको चोट भी लगेगी और आपका चलान भी किया जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगी? आप मोटर बाइक पे बैठना छोड़ देंगे? जी हाँ। मोटरसाइकिल पे नहीं बैठना, आपने हेलमेट नहीं पहना, बेशक आपको मोटरसाइकिल पे बैठना छोड़ना पड़े। जी हाँ जी, ऐसा ही जी। अच्छा, आपने साइड मिरर भी नहीं लगाए? जी, साइड छाड़े, साइड मिरर वो क्या है? वो क्या है? जो देखें, जो साइड पे पीछे देखने के लिए जो शीशे लगाए जाते हैं, साइड मिरर जो है वो भी आपने नहीं लगाए हुए, हेलमेट भी नहीं लगा। चलाना है सही, आपको पता नहीं है? आपके घर में टीवी है? हाँ जी। इन लोगों को पता नहीं है साइड मिरर क्या होता है? इसीलिए फौरी इम्प्लीमेंट इन्फोर्समेंट जो है वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, और ये 2 दिन अगले जो हैं वो इस पे हम लोग बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करेंगे कि हर बंदा अवेयर हो जाए जो माल रोड पे आने वाला है, क्योंकि स्टार्ट भी हम माल रोड से। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे शुक्रिया अदा करते हैं आपका, आगे बढ़ते हैं। एक और फैमिली हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अब एक आपने हेलमेट पहना है, साइड मिरर भी लगाया है, बहुत अच्छी बात है। कल से नया कानून है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपको इस बारे में मालूम है कि जो आपके पीछे सवारी बैठेगी वो हेलमेट पहनेगी, ये मालूम है? नहीं, ये नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं। कल अब आप जाएंगी जिसके भी साथ आपने जाना है तो आप हेलमेट पहनेंगे, तैयार है इसके लिए? जी तैयार है, हमारी वो सेफ्टी के लिए। तो लेकिन आपको मालूम नहीं था? देखें, ये तैयार तो है लेकिन ये मालूम नहीं। वही आप जो बात, लोगों को अवेयरनेस अभी नहीं हुई है, और आप यकीनन आपने इनसे पूछा, हमारी बहन ने भी बताया कि उन्हें नहीं मालूम कि हेलमेट पहनना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने इजहार किया पहनने का कि अगर कानून बन गया और इन पे लागू होता है तो वो यकीनन बैठेंगी मोटर बाइक पे, तो पहनेगी, यही वजह है। अच्छा, आपको कोई माइंड में है कि मखसूस डिजाइन होना चाहिए खवातीन के लिए हेलमेट का? नहीं, ऐसा कोई कोई आपका आपको ख्वाहिश हो कि ऐसा अगर हेलमेट मुझे पहनना पड़े तो मैं ऐसा हेलमेट पहनूंगी? पहले तो पता नहीं था, अब पता चला तो अभी कुछ सोचा नहीं है। कोई भी सोचा नहीं है? आपको कुछ माइंड में है कि अगर खवातीन हेलमेट पहने तो ऐसा हो? सही पहने मैं तो ये कर। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि वो जो बाईसाइकिल साइकिल चलाने वाला हेलमेट होता है वो ज्यादा लाइट वेट भी है और खवातीन को शायद खूबसूरत भी लगे। नहीं नहीं, साइकिल पे नहीं, यही है हेलमेट अच्छा है। अच्छा, हेलमेट का डिजाइन पे हम बात करते हैं, हमारे साथ एक और फैमिली भी है। हेलमेट का डिजाइन कैसा होना चाहिए? जो मटका टाइप हेलमेट होता है यही पहनना होगा, या फिर जो साइकिल आपने देखा है साइकिल चलाते हुए एक हेलमेट पहना जाता है वो भी अच्छा रहेगा? नहीं, बात यह है कि चीज़ तो वो होनी चाहिए जो प्रॉपर आपकी सेफ्टी करे। अच्छा। साइकिल जो है वो बिल्कुल सेपरेट चीज़ है, उसकी स्पीड वो नहीं हुआ, यही वाला बड़ा वाला हेलमेट। हाँ, ये बड़ा वाला ही जो है। इसमें एक बात है कि अभी तो सिर्फ ये हेलमेट पहना रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी अभी चेक नहीं हो रही है। अच्छा। आपने देखा होगा कि बहुत सोशल मीडिया पर ऐसे ही चीज़ें भी वायरल हुई हैं कि प्लास्टिक का एक बर्तन जो लोगों ने लिया हुआ, साइडों पे रस्सी लगाई हुई है, तो वो भी पहना हुआ लेकिन वो चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये हेलमेट की क्वालिटी चेक की जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम, एक और फैमिली हमारे साथ। वालेकुम सलाम। आपने हेलमेट पहना है, बहुत अच्छी बात है। अब कल से जो पीछे जिसको भी बिठाएंगे, आपकी मामा हैं, बहना हैं या फिर वाइफ हैं, वो भी हेलमेट पहनेंगी, इस इकदाम को कैसा देखते हैं? ये आपको ज्यादा बेहतर पता है, मिडिल क्लास फैमिली ये अफोर्ड कर ही नहीं सकती, ठीक है? वो घर का बजट पूरा करके हेलमेट लेके घूमे, आप मुझे खुद ही बताएं, ये हो ही नहीं सकता, ये अमूमन है ही नहीं, एक घर के 5 फर्ज हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आप मोटरसाइकिल लें तो मोटरसाइकिल कंपनी को ये लागू कर दिया जाए कि वो बाइक के साथ हेलमेट फ्री दें? हाँ जी, ये ठीक है, लेकिन
फिर भी वो 5 हेलमेट दे देंगे, 4 हेलमेट दे देंगे, ये इस बात का जवाब? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर एक मोटर बाइक कोई खरीदता है तो उसको एक हेलमेट ही मिलेगा या दो मिल जाएंगे, लेकिन असल इशू ये है कि खवातीन बहुत हद तक जो है वो हेलमेट पहनने को ही तैयार नहीं। अच्छा, आप हैं तैयार हेलमेट पहनने के लिए? नहीं। अच्छा नहीं लगेगा आपको? नहीं। लेकिन आपकी हिफाजत तो हो जाएगी? लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा, कोई एक लॉजिक दे दें मुझे, कोई वजह बता दें। दरअसल अफोर्ड में नहीं है मैम, बस यही है वजह। हो ये वजह है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? जी चले ठीक है, आगे भी एक फैमिली है हमारे साथ, इनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का। आप कैसी हैं? जी अल्लाह का। कल से आप हेलमेट पहनेंगी, ऐसा ट्रैफिक पुलिस ने कानून बना दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया, इसको कैसा देख रही हैं आप? जी बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, लेकिन ठीक है, ये बेहतर है। ठीक है पहन लेंगी। कलर डिसाइड किया, कौन से कलर का हेलमेट पहनेंगी? काला, पीला, लाल? तो फिर दुपट्टा कहाँ लेंगे, अगर हम चादर वगैरह कहाँ लेंगे अगर हेलमेट पहनना पड़ेगा तो? ये फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं सोच रही हैं आप? हाँ जी। अब आप विजुअलाइज कर रही हैं कि मैं लगूंगी कैसी? अंकल जी ले देंगे आप हेलमेट घर वालों को? हेलमेट तो देखे थे, फ्रंट जो हेलमेट है वो तो जरूरी ठीक है, मगर बैक का जो ना वो अच्छा नहीं है वैसे। क्यों अच्छा नहीं है? पीछे वाला गिरेगा उसको चोट नहीं लगती? वो तो बात का आपकी सही है, आपने बेटी की बात भी सुनी है कि वो दुपट्टा लेगी, चादर लेगी या वो लेगी, क्योंकि आपको पता है बच्चे जब साथ हो ना छोटे तो फिर ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है लेने की उनकी ना। आप प्रैक्टिस करवा दें किस तरह से दुपट्टा भी एडजस्ट करना है, किस तरह से हेलमेट भी एडजस्ट करना है। ये है कि मर्द के लिए जो अगर मर्द पीछे बैठा हो उसके लिए लाजमी कर दे, औरत हो उसको छूट देनी चाहिए। अच्छा, चलें बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। एक और फैमिली हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कल से आपने भी हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन कल से जो है आपके साथ जो पीछे वाली सवारी होगी चाहे वो खातून हो उनको भी हेलमेट पहनना पड़ेगा। वो आपकी बात ठीक है, चलो जेंट्स अलाउड ठीक है जी, वो हेलमेट पहन लें, लेडीज कहाँ हेलमेट पहनेंगी यार? आप मुझे खुद बताएं क्या वजह, क्यों नहीं पहनेंगी? क्यों नहीं? देखिए उन्हें तैयार होना होता है, अम्मी के घर जाना होता है, वो हेलमेट पहन के जाएंगी। तो ये इनसे पूछ लेते हैं कि ये अच्छा जी हेलमेट पहन लेंगी आप? नहीं मैं हेलमेट वो लड़कियां पहनेंगी जिन्होंने घर से निकला पढ़ने के लिए जाना, वो आगे घूमने फिरने कहीं और निकल जाएं। अच्छा ऐसा नहीं है, अब कानून ये कहता है, हाई कोर्ट ये कहता है, आपने चाहे दूध लेने जाना है या पढ़ने के लिए जाना है आपने हेलमेट पहनना है। पाकिस्तान में हर एक मिनट बाद कानून चेंज हो जाता है, हर एक मिनट बाद जो भी आता है नई पॉलिसी निकाले। ये तो चले मेरा ख्याल है इन्होंने एक लॉजिक ऐसा दिया है कि इन्होंने ससुराल जाना हो तो वो इनकी वाइफ जो है वो हेलमेट कैसे पहनेगी तैयारी हुई, लेकिन अब ये देखिए। चलो बहुत शुक्रिया हमसे बात करें, वेरी वेरी नाइस आपने हमसे बात की। अब यहाँ पे इनके माशाल्लाह बच्चे हैं, 3 बच्चे बैठे हुए हैं जो नजर आ रहे हैं, अब इनका क्या करेंगे कि ये भी हेलमेट पहनेंगे बच्चे? लेकिन बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब एक बाइक जो है वो दो बंदों के लिए बनी हुई है तो ये इनकी अपनी सेफ्टी भी है और बच्चे भी ये इनके अपने हैं, ठीक है। लेकिन कर लूँ आपकी इजाजत से? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा कल से अब आप हेलमेट पहनेंगी, ये कानून बन गया है, इसको कैसा देख रही हैं? पहन लेंगी हेलमेट? नहीं पहनेंगी वो कह रही हैं हेलमेट, कल से आपको फिर चालान भरना पड़ेगा उनके लिए। नहीं नहीं पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी? दे देंगे। देखिए बढ़िया, अब ये बच्चों को भी लेके देना है चला। हाँ जी बताएं ना उनको जरा, बच्चों को भी लेके देंगे। देखिए ये DSP साहब इसके कानून के अगर गिर गए तो बच्चों का क्या बनेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि आपके बच्चे 3 बच्चे हैं और आप 2 मियां बीवी, 5 लोग आप मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं, तो ये भी ट्रैफिक पुलिस वालों का कानून जो कहता है कि आप सिर्फ 2 सवारियां जो है वो बैठ सकते हैं, तो क्या वजह आप बच्चों को भी साथ लेकर बैठे हुए हैं? तो बच्चों ने तो साथ जाना ही है ना, बच्चों ने साथ जाना। यहाँ पे हमारे हमारे कॉमन मैंगो मैन की ये सवारी है, आप ये सवाल ना पूछे। बच्चों को तो नहीं ना साथ, घर मैंने सिर्फ इसलिए पूछा है कि अब इनकी सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब वो चाहे ऑनरेबल कोर्ट हो चाहे ट्रैफिक पुलिस की कानून हो। चले जी शहजाद साहब जवाब दे दीजिए, आपके पास इसका क्या कानून के मुताबिक आप इन्हें मना कर सकते हैं? आप वो कहते हैं उनके पास सवारी एक है, उनके बच्चे हैं, मोटर तो मैंगो मैन है। गलत तो गलत ही है ना, मतलब एक सवारी जो है वो बनी हुई है 2 लोगों के लिए
और ये इनकी अपनी सेफ्टी है, ये इनके अपने बच्चे हैं, इनको खुद भी चाहिए। लेकिन देखिए ओवरऑल तो इनको मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है इन चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा ये इनके अपने लिए, इनकी अपनी सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि ये इस तरह से ड्राइव ना करें। अच्छा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल से आप हेलमेट पहन लीजिएगा। एक बात बता दें, कलर कौन सा पहनेंगी हेलमेट का? रेड। रेड, रेड कलर पहनेंगी, रेड कलर पहनेंगी, ये बता दिया उन्होंने। बिल्कुल रेड कलर ये यकीनन पहनेंगी, और बच्चों का भी अब कलर आपको पूछना पड़ेगा। कौन से कलर का हेलमेट पहनोगे? रेड। रेड बहुत पसंद है इस फैमिली को। हाँ, ये रेड इनको बिल्कुल पसंद है। अच्छा शहजाद साहब, इसके लिए क्या आपका ट्रैफिक पुलिस का कानून क्या कहता है? कि अब जाहिर है ये भी बच्चों की भी तो सेफ्टी, जान उतनी ही कीमती है जितनी बड़ों की, तो उसके लिए कानून आपका क्या कहता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तीन सवार के मुतालिक हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसी तरह ये भी इस वक्त जो है ओवरलोडिंग है और ये गलत है। और इसके लिए इसको नज़रअंदाज करते हैं? देखें, सम टाइम अब हमारी सोसाइटी जो है इसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग जो है अलहदा अलहदा ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम लोग ब्रीफ ज़रूर करते हैं कि ये जैसे अभी भी मैंने उनको यही कहा कि ये आपके अपनी जान और वो जो बच्चे हैं वो भी आप ही के हैं, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह से ड्राइव ना करें। एक और केस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं जी? ये सबसे पहले तो ये बात है कि औरतों को जो आप हेलमेट पहना रहे हैं कि यहाँ पे क्या फ़ायदा इसका हेलमेट का है? क्या फ़ायदा है, उनकी जान नहीं है? जान तो है, लेकिन देखो अच्छा लगेगा वो औरतें जो हेलमेट, अच्छा लगेगा उनका सर फट जाएगा है? अगर उनका सर फट जाएगा तो क्या अच्छा लगेगा? इंशाल्लाह ताला ऐसा मसला नहीं है, सर कैसे फट जाएगा? वो जब देखे ना कितना बुरा लगता है जो औरतें भी हेलमेट पहनने की, सिर्फ ये लॉजिक बचने के लिए, ये सिर्फ चौधरी परवेज इलाही के जो ये इनके कारखाने हैं, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए। चौधरी परवेज इलाही, इमरान खान, जरदारी साहब कोई इसमें मुलव्वस नहीं है, इसमें ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट मुलव्वस है। हम खुद पीटीआई के, मुझे पता है ये लाहौर हाई कोर्ट है उसका आर्डर है, लेकिन इमरान खान से अपील है खुदा के लिए ये काम मत करें। ऐसे सारिफिन को और ऐसे जो राइडर है उनको कैसे मनाएंगे? गुस्सा देखा आपने? मनाने की बात नहीं है, यही तो चीजें हैं जो हमने अपनी सोसाइटी को जो है उसके अंदर उसमें डालनी है कि ये चीज, जब वो उनको ये बात समझ आ जाएगी कि ये बात कोई सियासी बात नहीं है, ये उनकी अपनी सेफ्टी के लिए है, तो वो खुद भी पहनना शुरू कर देंगी। बेसिक बात ये है कि उनको ये रियलाइज करवा दिया जाए कि जो आप बैठी हुई हैं, अगर आपने आपका जो राइडर है जो चला रहा है मोटरसाइकिल, अगर उसने पहना तो उसने भी अपनी सेफ्टी के लिए पहना है, और अगर गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि आपने भी पहनना है तो ये आप मुझे ना मुझे 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 आपसे भी ये सवाल है, मुझे इस खातून का गुस्सा देख के मुझे वो एपिसोड्स याद आ गए जब लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल को आग लगाई थी चलान होने पर, कहीं ऐसे तो नहीं देखे कि खवातीन कुछ कर लें ऐसा कुछ? मदिया, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया चीज, शहजाद साहब भी इस बात के गवाह हैं कि ये सबसे ज्यादा मुश्किल मरहला ट्रैफिक पुलिस के लिए आने वाला है। जिस तरह से ये अग्रेशन दिखा रही थी खातून, उन्होंने कहा कि मेरा कोई चलान करके दिखाए मैं धरना दूंगी, और धरना मुतारिफ कराया हुआ है मौजूदा हुकूमत का, तो इनको जो किया था वो अब काटना पड़ रहा है। तो लोगों को इनको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि खवातीन के पास बहुत सारी लॉजिक हैं, बहुत सारी वजूहात हैं हेलमेट ना पहनने की। और आपने जो बात की कि लोगों ने मोटर बाइक को आग लगाई, इनको इनके जो लोग हैं इनके अपना हाथापाई होते रही है बड़ी दफा ऐसे। शहजाद साहब, आप इस चीज को काउंटर कैसे करेंगे, ये अहम सवाल है, मुझे इजाजत दीजिए। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद यही सवाल मैं शहजाद साहब से पूछूंगी, हमारे साथ रहिए।